ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खबर गरियाबंद से, जहां जिले के पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लोगों ने नववर्ष का जश्न मनाया। यहां के पर्यटन स्थल पर पर्यटकों ने हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाया। नववर्ष पर गरियाबंद जिले के जतमई, घटारानी, भूतेश्वरनाथ और राजीव लोचन मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। नए साल का जश्न मनाने पर्यटक प्रदेश के कोने कोने से यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि जतमई और घटारानी आपके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन इस बार वाटरफॉल जल्दी बंद हो जाने के कारण पर्यटक उसके लुत्फ से वंचित रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, नए साल में परिवार के साथ आने में यही समय रहता है। नए दिन में भगवान देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं और पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं और देवी देवता के दर्शन करने के लिए बताएंगे कि आप यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए। भिलाई में निवास रहते हैं हम सब, एक दाना कंपनी में, कोई मुर्गी फार्म में, ऐसे हम मैनेजर है सभी लोग, और यहाँ पे घटारानी जत में घूमने भी आए और अच्छा जगह है। बस सरकार को ये है कि यहाँ के जो रोड वगैरह है वो टाइम से बनाना चाहिए, बाकी आने में थोड़ी किसी तकलीफ आई है। भिलाई से घटारानी आए, भिलाई से लगभग ये 100 किलोमीटर पड़ता है। बहुत दिन से सोच रहे थे कि अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, तो अचानक एक हफ्ते पहले प्लान बना और हम लोग घटारानी घूमने आए। और यहाँ आए तो मंदिर है हमारा हिंदू धर्म का, बहुत अच्छी जगह है, तो घूम के बहुत अच्छा लगा। हम लोग भिलाई से आए नववर्ष के मनाने के उपलक्ष्य में और यहाँ का सर वातावरण अच्छा लगा। लक्ष्मण झूला घूमे, अभी राजीव लोचन मंदिर भी हम लोग दर्शन कर लिए हैं, इसके पहले भी हम लोग और घूम चुके थे, तो बाकी सब यहाँ का माहौल वाल भी अच्छा लग रहा है। बाकी छत्तीसगढ़ तो वैसे भी शांत प्रिय राज्य है ही, यहाँ सर हाँ सर पूरे फैमिली के साथ आए हैं, भगवान के दरबार में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। नव वर्ष आ रहा है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए भगवान से अच्छा दरबार किसका ही होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति का शांति महसूस हो रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।